ओके गाइस, मेरे पर भी वीडियो पर देखे थे किस टाइप से यहाँ पे वीडियो को एडिटिंग किया हुआ था। लाइक उस टाइप से वन क्लिक कर अपने यहाँ पे सोलोमो वीडियो को आप आसानी से एक यहाँ पे ट्रेंडिंग बदर इफेक्ट के साथ आप आसानी से इस वीडियो को आप क्रिएट कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग यूज करेंगे एडिटिंग करने के लिए भीन ऐप्स को और इंस्टॉल एप्लीकेशन को, दो एप्लीकेशन की मदद से हम लोग इस रील्स को एडिटिंग करेंगे। तो सिंपली चलते हैं, डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लाइक वीडियो को एडिटिंग करने के लिए आप सबको सबसे पहले भीन ऐप्स को इंस्टॉल करके इसको ओपन करना है। लाइक इसको ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस खुलने को इस टैप से दिखेगा। उसके बाद आप सबको यहाँ पे प्लस पर टैप करना है। लाइक प्लस पर टैप हो जाने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। लाइक न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक होने के बाद अब आप सबको यहाँ पे देख सकते हो सिंपली अपने उस वाले वीडियो को ऐड करें जो आप यहाँ पे एडिटिंग करना चाहते हो। तो मैं अपने उस वाले वीडियो को ऐड करता हूँ। लाइक उस वाले वीडियो को ऐड हो जाने के बाद नीचे नेक्स्ट पे टैप करना है। लाइक नेक्स्ट पे टैप हो जाने के बाद आपके स्क्रीन पे कुछ इस टाइप से शो होगा। लाइक इतना हो जाने के बाद अब आप सबको आप लास्ट पार्ट पे आना है। लाइक लास्ट पार्ट पे आने के बाद यहाँ पे डिलीट का आइकन दिख जाएगा, तो आप सबको डिलीट पर टैप करना है। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे इसको सोलोमो में कन्वर्ट करेंगे। तो लाइक सोलोमो में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे स्पीड पर टैप करना है। लाइक स्पीड पर टैप हो जाने के बाद अब आप सबको यहाँ पे सिंपली ये वाले को आप यहाँ पे फर्स्ट, उसके बाद दूसरा, आप यहाँ पे दूसरा लाइन में आना है। दूसरे लाइन में आने के बाद यहाँ पे एक फिंगर को टैप करके रखना, उसके बाद ऐड स्ट्री पर क्लिक करना, फिर से आप सबको आगे वाले लाइन में आना, उसके बाद ऐड स्ट्री पर टैप करना, फिर से आप सबको आगे वाले लाइन में आने के बाद ऐड स्ट्री पर टैप करना है। उसके बाद सिंपली आप सबको इस वाले लाइन को सिंपली आप सबको नीचे की ओर लाना, कुछ इस टाइप से मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो। लाइक इस टाइप से लाना है। लाइक इतना हो जाने के बाद फिर से आप सबको यहाँ पे इस पे ऐड स्ट्री पर टैप करना है। लाइक ऐड स्ट्री पर टैप हो जाने के बाद सिंपली अपने इस वाले को अपने यहाँ पे ये वाले लाइन को अपने यहाँ पे कुछ थोड़ा सा आप सबको ऊपर रखना, कुछ इस टाइप से। लाइक आप सबको ये वाले लाइन को आप सबको थोड़ा सा इस टाइप से इंक्रीज कर लेना। मैं यहाँ पे अपने ये वाले को एडजस्ट कर लिया हूँ। लाइक अपने यहाँ पे ये वाले को भी आप यहाँ पे आसानी से एडजस्ट कर सकते हो। लाइक इतना हो जाने के बाद अब आप सबको यहाँ पे प्ले करना अपने वीडियो को। प्ले हो जाने के बाद मेरा पूरी तरह से यहाँ पे एडजस्ट यहाँ पे हो चुका है। लाइक इतना हो जाने के बाद अब आप सबको यहाँ पे राइट पे टैप करना है। लाइक राइट पे टैप हो जाने के बाद यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे मेरा सोलोमो में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो मेरे यहाँ पे फास्ट सोलो और यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे मेरा एडिटिंग हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो पूरी तरह से यहाँ पे हो जाने के बाद ऐड, उसके बाद आप सबको वीडियो के फर्स्ट लेंथ में आना है। वीडियो के फर्स्ट लेंथ में आने के बाद वीडियो को प्ले करना। वीडियो को प्ले करने के बाद ये जहाँ पे चलता है सिंपली वहाँ पे आप सबको स्पीड पर टैप करना है। उसके बाद कट लगाना। कट लगाने के बाद अब आप सबको सिंपली फिर से आपसे यहाँ पे फास्ट होता है। लाइक आप सबको एक स्पीड पर टैप करके कट लगाना। कट लगाने के बाद यहाँ पे एक और आप सबको कट लगाना, यहाँ पे देख सकते हो ये चल रहा है। लाइक आप सबको यहाँ पे एक कट लगाना है। कट लगाने के बाद अब आप सबको यहाँ पे स्क्रॉल करके आप सबको यहाँ पे अपने दूसरे वीडियो के लेयर में आना है। लाइक दूसरा वीडियो के लेयर में आने के बाद यहाँ पे आप सबको एक इफेक्ट्स का ऑप्शन दिख जाएगा। लाइक आप सबको इफेक्ट्स पर टैप करना है। इफेक्ट्स पर टैप करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे आप सबको एक यहाँ पे इफेक्ट मिलने देखने को मिलेंगे। तो लाइक आप सबको जो इफेक्ट आप लगाना चाहते हो फिली वो वाले इफेक्ट आप यहाँ पे ऐड कर लेना। तो मैं यहाँ पे अपने उस वाले इफेक्ट को ऐड कर लेता। बहुत सारे आप सबको यहाँ पे इफेक्ट मिलेंगे। तो लाइक आप सबको इसको अप्लाई करना कुछ इस टाइप से। उसके बाद राइट पे टैप करना। लाइक राइट पे टैप हो जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो पूरी तरह से मेरा यहाँ पे एक इफेक्ट ऐड हो चुका है। उसके बाद फिर से अपने यहाँ पे दूसरा लेंथ में आना, दूसरा वीडियो के लेयर में आना है। इफेक्ट्स पे टैप करना है। उसके बाद इफेक्ट्स पे टैप हो जाने के बाद आप सबको यहाँ पे इस टैप से बहुत सारे आप सबको इफेक्ट मिलेंगे देखने को। तो लाइक आप यहाँ पे अपने इस वाले को अपने फुल यहाँ पे वीडियो में अप्लाई करना। उसके बाद राइट पे टैप करना है। लाइक राइट में टैप करने के बाद इफेक्ट्स पे टैप करना है। उसके बाद स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे जीटल, यहाँ पे बहुत सारे आप सबको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जीटल जीटल आप यहाँ पे। तो लाइक आप सबको जो यहाँ पे अच्छा लगेगा देखने में सिंपली उसको आप अप्लाई करके राइट पे टैप करना है। लाइक राइट पे टैप हो जाने के बाद मेरा पूरी तरह से यहाँ पे इस ऐप्स में हम लोग यहाँ पे इसमें एडिटिंग यहाँ पे पूरी तरह से कर चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हो पूरी तरह से। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे उस एप्लीकेशन में, उसके बाद ब्लर ऐड करेंगे और यहाँ पे कुछ और यहाँ पे हम लोग इफेक्ट लगाएंगे। तो लाइक सिंपली इस वीडियो को आप सबको ऊपर पे सेव का आइकन दिखेगा, तो आप सबको सिंपली इस वीडियो को सेव करना है। तो लाइक आप सबको सेव हो जाने के बाद अब आप सबको यहाँ पे इंसर्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है। लाइक इंसर्ट एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस खुलने को इस टैप से दिखेगा। उसके बाद वीडियो पर टैप करना। वीडियो पर टैप करने के बाद यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आप सबको क्लिक करके अपने उस वाले वीडियो को ऐड करना। तो मैं यहाँ पे अपने उस वाले वीडियो को ऐड करके राइट पे टैप करता हूँ। लाइक राइट पे टैप हो जाने के बाद यहाँ पे अपने इस वाले को कैनवा को सिलेक्ट करके 9:0:2 सेलेक्ट करना है। लाइक सेलेक्ट हो जाने के बाद अब आप सबको यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद आप सबको यहाँ पे एक इफेक्ट का ऑप्शन दिखेगा। तो आप सबको इफेक्ट पर टैप करना, एआई इफेक्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद इसमें आप बदर ऐड करना चाहते हो तो ये बदर आप सबको कैपकट एप्लीकेशन में मिलेगा, तो आप सबको वहां से इसको ऐड कर सकते हो। लाइक यहां पर देख सकते हो बहुत सारे आप सबको यहां पे इफेक्ट मिल जाएंगे। तो लाइक आप जो यहां पे इफेक्ट ऐड करना चाहते हो सिंपली वो वाले यहां पे इफेक्ट आप यहां पे इसको सेलेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे आप सबको इफेक्ट मिल जाएंगे। लाइक आप जो इसमें कलर ऐड करना चाहते हो तो लाइक आप यहां पे इसमें कलर भी ऐड कर सकते हो।
तो यहाँ पे इसमें देख सकते हो आग वाले इफेक्ट, उसके बाद यहाँ पे करंट इफेक्ट, बहुत सारे इफेक्ट आप सबको देखने को मिलेंगे। तो आप सब जो इफेक्ट ऐड करना चाहते हो लाइक वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपने इस वाले इफेक्ट को मैं ऐड करके मैं राइट पे टैप करता हूँ। लाइक राइट पे टैप हो जाने के बाद सिंपली अपने वीडियो को प्ले करना है। तो प्ले हो जाने के बाद ये जहाँ से चलता वीडियो लाइक आप सबको वहाँ एक इफेक्ट ऐड करना है, AI इफेक्ट पे टैप करना है। AI इफेक्ट पे टैप करने के बाद स्क्रॉल करना है। लाइक स्क्रॉल करने के बाद आप सबको यहाँ पे एक यहाँ पे शैडो इफ यहाँ पे मिल जाएंगे। सिंपली ये वाले को भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पे मल्टीपल इफेक्ट के भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। बहुत सारे आप सबको इफेक्ट देखने को मिलेंगे। लाइक आप सब जो इफेक्ट यहाँ पे ऐड करना चाहते हो लाइक वो इफेक्ट ऐड कर सकते हो। लाइक आप सबको राइट पे टैप कर देना। लाइक राइट पे टैप करने के बाद अपने वीडियो को प्ले करना है। लाइक प्ले हो जाने के बाद फिर से AI इफेक्ट पे टैप करके आप सबको स्क्रॉल करना है। इस टैप से स्क्रॉल हो जाने के बाद आप सबको यहाँ पे एक यहाँ पे सिलिक इफेक्ट का ऑप्शन दिखेगा। लाइक आप सबको सिलिक इफेक्ट पे टैप करना है। लाइक सिलिक इफेक्ट पे टैप हो जाने के बाद यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना है। लाइक वेट हो जाने के बाद अब आप सबको यहाँ पे राइट पे टैप करना है। लाइक राइट पे टैप हो जाने के बाद मेरा पूरी तरह से यहाँ पे वीडियो बनकर रेडी हो चुका है। तो लाइक इस टैप से वन क्लिक के अंदर अपने यहाँ पे इस वीडियो को आप आसानी से एडिट कर सकते हो। देखो उसके बाद इसमें यहाँ पे वाटर मार्क मिल जाएगा, तो इसको डिलीट करने के लिए आप कट पर टैप करना। उसके बाद आप सबको यहाँ पे एक फ्री रिमूव का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आप सबको फ्री रिमूव पर क्लिक करना, ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। उसके बाद आप सबको सेव करने के लिए ऊपर पे एक्सपोर्ट पर टैप करना। लाइक अदरवाइज आप यहाँ पे अपने यहाँ पे रेशियो को ऐड करके आप इसको एक्सपोर्ट पर टैप करना, ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा आपके गैलरी में।